नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे आलू का पराठा कैसे बनाया जाता है। आलू के पराठे के साथ हमने बनाई है चेरी टोमेटोज़ की चटनी, जो कि थोड़े से खट्टे और मीठे होते हैं। हमने थोड़े हरे हरे टमाटर का इस्तेमाल किया है। जो लाल टमाटर होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। इसी के साथ हमने परोसा है हरा मिर्च का ठेसा और मूंगफली की चटनी। तो चलिए देखते हैं आलू पराठा कैसे बनाते हैं। आलू पराठा बनाते समय हमने कई सारी बारीकियाँ और टिप्स भी बताए हैं। इसे अपनाकर आप एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट आलू पराठा बना सकते हैं। आलू पराठा, जैसे कि आपको पता ही है कि आलू से बनाया जाता है, तो हम तीन मध्यम आकार के आलू लिए हैं हमने और इसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अभी इन आलू को हम बीच में से काट लेंगे, इसके दो भाग कर लेंगे। हम इन आलू को स्टीमर में उबाल रहे हैं। आप चाहे तो अन्य किसी बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें उबाल कर ले सकते हैं। स्टीमर में कोई भी सब्ज़ी या फिर कोई भी व्यंजन आप बनाएं तो इसमें बहुत ही जल्दी से भाप पर खाना पक जाता है। हम इसमें आलू उबाल रहे हैं और इसमें टाइमर लगाने की भी ज़रूरत होती है। टाइमर सेट कर देने से आप अन्य कोई भी घर का काम या फिर किचन का काम कर सकते हैं और उतनी ही समय में आपका कोई भी व्यंजन हो या सब्ज़ी या फिर आलू उबालना हो तो ये जल्दी से हो सकता है। इस तरह से हम इसमें अभी टाइमर लगाकर इसे रख देंगे। आलू पराठा बनाने के लिए हमने 40 मिनट का टाइमर लगाया है। अभी मिलते हैं 40 मिनट बाद। तब तक हम आटा गूंद लेंगे। आलू पराठा बनाने के लिए आटा ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, मीडियम आटा गूंदेंगे हम। तो पानी का इस्तेमाल करके ही, इसमें तेल नहीं डालेंगे आटा गूंदते समय। और इसे आटा गूंदने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। इस तरह से आप आटा गूंदेंगे तो आलू पराठा एकदम सही तरीके से आप बेल पाएंगे, अच्छी तरह से बनेगा। तब तक हम टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर काट लेंगे। ये चेरी टोमेटोज़ है, हमने इन्हें धो लिया है अच्छी तरह से पानी से और इन्हें हम काट लेंगे। एक टमाटर के दो टुकड़े करते हुए हम इन्हें काट लेंगे। चाहे तो आप अपने हिसाब से इन्हें ज़्यादा बारीक भी काट सकते हैं, पर ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए हम इसके दो ही पीस बनाएंगे। और ये सभी चेरी टमाटर्स अभी कट हो चुके हैं। अभी हम एक बड़ा प्याज काट लेंगे। प्याज आप कोई भी ले सकते हैं, सफ़ेद, लाल या फिर हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम बारीक काट लेंगे। टोमेटो चटनी बनाने के लिए प्याज अभी काट कर तैयार है। हमने साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च और करी पत्ता भी धोकर काट कर ले लिए हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे, रखेंगे गैस पर कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल, रखते हैं। इसी के साथ डालेंगे राई और ज़ीरा।
राई और जीरा थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और करी पत्ता। हरी मिर्च को धोने के बाद तुरंत ही हमने इसे काट कर तेल में डाला है, इसीलिए तेल आपके ऊपर, तेल के छींटे आपके ऊपर उड़ सकते हैं, इसीलिए हमने इसे ढककर रखा है। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने एक बड़ा प्याज काट कर रखा था, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा गुलाबी होने तक हम इसे मध्यम आंच पर भूनते रहेंगे। प्याज हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अभी कटे हुए चेरी टोमेटोज डालेंगे हम और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने से पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। टमाटर को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे। मध्यम आंच पर हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए आपको इसे बीच बीच में देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से मिलाना भी पड़ेगा। तो हमने ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने इन्हें फिर से मिलाकर ढककर रख देंगे। ढककर रखने के 1 मिनट बाद हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक की मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे ढककर हम धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम आलू के छिलके निकाल लेंगे। आलू अच्छी तरह से उबल गए हैं। हमने इन्हें ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट तक के लिए, आटा गूंदने तक के समय हमने इसे रख दिया था, और स्टीमर तो 40 मिनट बाद ही बंद हो चुका था। अभी इस आलू की अच्छी तरह से हम छिलके निकाल लेंगे और इसे हाथों से मैश कर लेंगे, या फिर आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, या छुरी की सहायता से इन्हें बारीक भी काट सकते हैं, या फिर जो हमारा पुराना जो तरीका है, कोई कटोरी या फिर ग्लास लेकर इसे आप इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। तो हमने एक टिफ़िन का छोटा सा डब्बा लिया है स्टील का, और इस सहायता से हम इसे मैश कर लेंगे। चाहे तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे आलू को मैश कर लेंगे। इस तरह से स्टील के डब्बे से आलू को आप भी घर पर मैश कर सकते हैं। बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी से ये मैश हो जाते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस तरह से करने से। और टिफ़िन का डब्बा तो सबके ही घर पे मौजूद होता है, तो इस तरह से आलू पराठे बनाने में भी आसानी होती है। और ये देखिए इस तरह से सारे आलू को हमने मैश कर लिया है। इस पर हम डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर और हरी मिर्च का ठेसा, जो कि हमने अभी अभी ताज़ा बनाया है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये बात ध्यान रखें कि हरी मिर्च का ठेसा बनाते समय भी इसमें नमक का इस्तेमाल होता है, तो नमक अपनी पसंद अनुसार और स्वाद अनुसार डालें। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरी मिर्च का ठेसा आलू पराठा बनाते समय हम इस्तेमाल करेंगे, तो आलू पराठे और भी स्वादिष्ट बनेंगे, काफ़ी मज़ेदार बनते हैं ये, खाने में कोई भी पसंद करेगा। बड़े, बच्चे या फिर बुज़ुर्ग, कोई भी इन्हें बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। अभी हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया आप जितना चाहे अपनी मर्जी अनुसार डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, उतना ही ये मिश्रण बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और आलू पराठे दिखने में भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये मिश्रण अभी बनकर तैयार है, हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं, जो कि ये है, आलू पराठे बनाने से पहले हम इस मिश्रण के, आलू के मिश्रण के इस तरह से गोले बना कर रख देंगे। आपको जितना बड़ा आलू पराठा बनाना है, उस हिसाब से आप ये मिश्रण के गोले छोटे छोटे बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आलू पराठे आप जब बनाएंगे तो बार बार आपको आटे की लोई तोड़ने के बाद आलू पराठे के मिश्रण में हाथ ज़्यादा
डालना नहीं पड़ेगा, वो मिश्रण उसमें भरने के लिए, फिर हाथों को लगेगा, फिर आपको हाथ थोड़े से साफ़ करने होंगे और फिर आलू पराठा बेलना होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप आलू पराठा बना सकते हैं और आपके हाथ ज़्यादा गंदे भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी टमाटर की चटनी हमारी पक गई है या नहीं। अच्छी तरह से टमाटर की चटनी धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पक चुकी है। हमने इस टमाटर की चटनी को 5 मिनट तक या फिर 6 मिनट तक पकाया है, धीमी आंच पर 4 मिनट तक और 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाया है इसे। और टमाटर की चटनी खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है बनकर। टमाटर की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इस तरह से आप टमाटर की चटनी आलू पराठे के साथ ही नहीं, रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर टिफ़िन में ले जाने के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे आलू के मिश्रण के सभी गोले बनकर तैयार हैं। इस तरह से हमने सभी गोले बनाकर ले लिए हैं। आप चाहे तो छोटे या बड़े गोले इसके बना सकते हैं। और आटा भी अभी अच्छी तरह से सेट हो गया होगा, तो अभी हम आटे की लोई छोटी छोटी तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाएंगे। और अभी दूसरी टिप है कि हम पहले आलू के मिश्रण के गोले बनाकर रख दिए हैं, अभी हम आटे की लोई के साथ आलू पराठे के गोले भी बनाकर रख देंगे, तो आलू पराठा बनाने में हमें आसानी होगी। इस तरह से गूंधे हुए आटे की लोई तोड़ लेंगे छोटी सी, एक पेड़े की जितनी समान, और इसे हम थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से बड़ा कर लेंगे एक गोल खांचे की तरह। और जो हमने आलू का मिश्रण बनाकर जो गोल गोल एक लड्डू की तरह बनाकर रखा है वो इसमें रख देंगे। और हम बहुत ही आसानी से धीरे से आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आप ये आटे की लोई के अंदर आलू का मिश्रण इस तरह से भर सकते हैं, स्टफिंग कर सकते हैं। और इसका अभी हम अच्छी तरह से ऊपर का भाग हिस्सा आटे से बंद कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से लोई बना लेंगे। इसी तरह की हम कई सारी लोइयां भर लेंगे और इसके बाद ही में हम आलू पराठा सभी बेल लेंगे और सेक लेंगे। तो इस तरह से आप 4 से 5 आलू पराठे की लोई बना सकते हैं। और स्टफिंग करने के बाद एक ही साथ में 2-4 आलू पराठा बेलकर आप सेक कर खाने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 से 4 आलू पराठे की गोले हम बना लेंगे, भर लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं तेल लगाने के बाद ये दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा सूखा आटा भी इसे लगा सकते हैं। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करना चाहे तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और इस तरह से आलू पराठा आप बनाने से पहले इतनी सारी लोइयां बनाकर रख देंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और आलू पराठा बनाने में आपको आसानी होगी। इस तरह से सूखा आटा लगाने के बाद आपको तेल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से आप बनाकर आलू पराठा आसानी से बना सकते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए हमने फ़िलहाल 4 से 5 आलू पराठे की लोइयां बनाकर इस तरह से भर दी है और ये बनकर अभी तैयार है। तो हम अभी आलू पराठा बेलेंगे। आलू पराठा बेलते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सूखा आटा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और आलू पराठे को चकली से चिपके भी चिपकना भी नहीं है, वो चिपकना नहीं चाहिए, इतना ही आटा हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से एक आलू पराठे का जो हमने स्टफिंग करके पेड़ा बनाया था इसे ले लेंगे और थोड़ा सा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से आलू पराठे को बेलेंगे। इस तरह से हम बहुत ही धीरे से आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो में, इस तरह से आप देखकर भी सीख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आलू पराठा बनाने के लिए आपको और सूखे आटे की ज़रूरत है तो इस तरह से आप थोड़ा सा सूखा आटा लेकर भी इसके ऊपर भुरभुरा सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो बेलन को भी सूखा आटा थोड़ा सा लगा सकते हैं और इस तरह से घुमाते हुए आप आलू पराठा आसानी से बेल सकते हैं और जल्दी ही बेल सकते हैं। ये हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं इसीलिए वक्त लग रहा है, वरना आलू पराठा बहुत जल्दी बेल कर तैयार हो जाता है। आलू पराठा बेलते समय ये ध्यान रखें कि आलू पराठा ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला बेले, मध्यम आकार का होना चाहिए और मध्यम साइज़ का भी, उसकी जो थिकनेस है वो मध्यम ही होनी चाहिए।
अभी आलू पराठा बेलकर तैयार है, हम इसे सेक देंगे। तो आलू पराठा बेलते समय ही हमने गैस ऑन करके उस पर तवा रख दिया था, आप कोई भी तवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम हल्के हाथों से इसके ऊपर बनाया हुआ आलू पराठा डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे नीचे और ऊपर भी चम्मच से आप थोड़ा सा साइड से कॉर्नर से तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। आप चाहे तो तेल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी, अपनी पसंद अनुसार करें। इसे हम हल्के हाथों से पलट देंगे। जो हर रोज़ रोटी बनाना जानते हैं, गेहूं की रोटी, उन्हें ये पलटने में बहुत ही आसानी होगी, पर जो नए सिरे से आलू पराठा बनाना सीख रहे हैं वो चम्मच की सहायता से या फिर जिसे उल्थन कहते हैं ऐसे चम्मच से आप इसे पलट सकते हैं या फिर चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर चिमटे का इस्तेमाल करने से पहले एक बात जान लें कि आलू पराठा अगर आप छोटा बना रहे हैं तो वो चिमटे से पलट सकता है, पर वो बड़ा हो तो इस तरह का एक चम्मच ले और इस तरह से आप इसे पलट सकते हैं। नहीं तो चिमटे की सहायता से आप आलू पराठा को पलट देंगे तो वो टूट भी सकता है। मध्यम आँच पर आलू पराठे को सेकेंगे इस तरह से, ज़्यादा तेज़ आँच ना करें, आलू पराठा बहुत जल्दी जल जाता है। तो कभी भी आप आलू पराठा बनाएं तो मध्यम आँच पर भी इसे अच्छी तरह से सेक लें। आलू पराठा बनाने के बाद आप इसे तेल लगा सकते हैं या फिर बनाते समय भी आपको जैसा पसंद हो वैसा। और अगर आप आलू पराठे को ज़्यादा तेल घी या जो भी चाहे आप लगाना ना चाहे तो बिना तेल का भी आप आलू पराठा इस तरह से बना सकते हैं। नॉनस्टिक का कोई भी तवा ले ले और उस पर बिना तेल के आप आलू पराठा अच्छी तरह से सेक ले। और ये देखिए, अच्छी तरह से सेकने के बाद हमारा ये आलू पराठा बनकर खाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम अभी दूसरा आलू पराठा सेक कर बताएंगे। और इसी तरह से हमारे ये दो आलू पराठे बनकर अभी बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें परोस देंगे। एक प्लेट लेंगे, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं परोसने के लिए प्लेट। इसमें हम आलू पराठे रखेंगे सबसे पहले, और इसी के साथ जो हमने बनाई थी टमाटर की चटनी, चेरी टोमेटोज की चटनी, वो परोसेंगे। और मूंगफली की चटनी भी हमने बनाई थी, इसका वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। और इसी के साथ डालेंगे हरी मिर्च का ठेसा जो कि हमने ताज़ा ताज़ा बनाया है। आलू पराठों के साथ इस तरह से आप घर पर परोसकर खाने के लिए देंगे तो सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हरी मिर्च का ठेसा डाले हुए आलू पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दिखने में तो सुंदर ये है ही, पर सभी घर वाले बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर आलू पराठे बनाएं और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आलू पराठे कैसे लगे। और अगर आपको ये आलू पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जयम रेसिपीज़ की अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल या फिर सुझाव होंगे तो हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और कुछ जानकारी भी आप एक्स्ट्रा देना चाहें तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सभी आलू पराठे बना लिए थे। कम से कम इतने 3 आलू के आकार के मिश्रण में हमने 14 से 15 आलू पराठे बनाए थे मध्यम आकार के।
आप अगर छोटे आलू पराठे बनाना चाहे तो इसके 20 से 22 भी बन सकते हैं। आपके घर पर कितने सदस्य हैं उसी हिसाब से आप आलू पराठे बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। हमने जिस तरह से आपको आलू पराठे बनाने के लिए बताया है, इसी तरह से अगर आप आलू पराठे बनाएंगे तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं, इतने सॉफ्ट आलू पराठे बनकर तैयार होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा। मगर इस तरह से आलू पराठे बन सकते हैं। बनाकर देखें, खुद खाए, घर वालों को सभी को खिलाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करते हैं तो हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन आलू पराठों को पिकनिक पर जा रहे हैं सफ़र में, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये आलू पराठे आप बनाकर दे सकते हैं।